हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका, मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं पोटैटो लॉलीपॉप की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। फ्रेंड्स, वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। इसे हर स्टेप को देख के आपके भी घर में रेस्टोरेंट स्टाइल का लॉलीपॉप बनने वाला है। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। पोटैटो लॉलीपॉप बनाने के लिए हमने लिया है यहाँ पे दो बड़ा आलू मैश किया हुआ, यानी कि इसको हमने उबाल के छिलके हटा के मैश लिया है। इसमें हम डालेंगे एक बड़ा प्याज, प्याज को हमने बारीक बारीक काट रखा है, ढेर सारा धनिया पत्ता, एक से दो हरी मिर्च। साथ में हम डालेंगे ब्रेड का चूड़ा। ब्रेड को आप मिक्सर जार में पीस लीजिए, ब्रेड चूड़ा तैयार हो जाता है। तो इसमें हम एक बॉल डालेंगे। अब हम यहाँ पे कुछ मसाला ऐड करेंगे। तो हम 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच भर के हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 से 1.5 चम्मच हम यहाँ पे अमचूर पाउडर डालेंगे, क्योंकि इसमें खट्टा खट्टा स्वाद बहुत ही बढ़िया आता है। आप चाहें तो यहाँ पे चाट मसाला भी डाल सकते हैं। इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच साबुत जीरा। फाइनली हम इसमें डालेंगे टेस्ट के अनुसार नमक। अब हम हाथ से सारे इंग्रेडिएंट्स को एक बढ़िया सा डो तैयार करेंगे लॉलीपॉप के लिए। तो आप देख सकते हैं लॉलीपॉप के लिए डो अपना फाइनली तैयार है। यहाँ पे मैं सजेस्ट करूंगी कि आप थोड़ा सा डो में से टेस्ट कर लीजिए, इससे नमक मिर्च आपको पता चल जाता है। अब हम इसके लॉलीपॉप बनाएंगे। तो हम इसमें से 1 नींबू के आकार का बॉल लेंगे और उसका ऐसे गोल गोल शेप दे देंगे। आप थोड़ा बड़ा छोटा कर सकते हैं। हमने डो से सभी लॉलीपॉप बॉल्स तैयार कर लिए हैं। अब हम इसको साइड कर देंगे और यहाँ पे हम एक पतली सी शेल भी तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिया है 2 बड़े चम्मच मैदा और इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर। आप चाहें तो यहाँ पे चावल का आटा भी मिक्स कर सकते हैं। और इसमें फाइनली हम डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। नमक डालने से ये फीका फीका नहीं लगता है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक अच्छा सा घोल तैयार करेंगे। बिल्कुल हमें पतला सा घोल तैयार करना है। हमने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक अच्छी सी घोल तैयार की है। आप देख सकते हैं बिल्कुल पतला होना चाहिए, इसे गाढ़ा तैयार नहीं करना है। अब यहाँ पे हम लेंगे ब्रेड क्रम्स। हम एक एक लॉलीपॉप बॉल्स लेंगे और घोल में डुबा देंगे। चम्मच से हम चारों तरफ इसे घोल में लगाते हुए और 2 अंगुलियों की मदद से इसे एक्स्ट्रा घोल गिराते हुए ब्रेड क्रम्स में डालेंगे। ब्रेड क्रम्स में हमें ऐसे इसे गोल गोल घुमा देना है और फाइनली हमें इसे एक प्लेट में रख लेना है। तो ये अपना फ्राई के लिए लॉलीपॉप तैयार हुआ है। चलिए हम सभी को ऐसे ही तैयार कर लेते हैं। हमने सभी बॉल्स को कोटिंग कर लिया है। अब हम एक बार इसे ऐसे हिला देंगे। इससे क्या होता है, एक्स्ट्रा अपना क्रम्स जो है वो गिर जाता है, फिर तेल में फैलता नहीं है। अब चलिए हम गैस की तरफ चलते हैं। गैस पे हमने तेल गरम करके रखा है। अब हम इसमें एक बॉल्स डाल के चेक करेंगे कि अपना तेल सही टेम्परेचर पे है कि नहीं। तो हम धीरे से एक बॉल्स डालेंगे। आप देख सकते हैं अपना बॉल्स जला भी नहीं, अच्छे से इसमें बबल्स आ रहे हैं। हम थोड़ा थोड़ा तेल ऊपर डाल देंगे और इसे ऐसे घुमाते हुए फ्राई करेंगे। तो अपना तेल का टेम्परेचर हमें सही लगा, बाकी के भी बॉल्स हम इसमें छोड़ देंगे। तो आपका एक बार में जितना बॉल्स आ सके फ्राई कर लीजिए। अब
हम ऊपर से थोड़ा थोड़ा ऐसे तेल डाल देंगे। एक साइड से हम इसे एक मिनट तक फ्राई होने के बाद उल्टेंगे, नहीं तो टूटने का चांस रहता है। हमने घुमाते हुए चारों तरफ से लॉलीपॉप को अच्छे से तल लिया है। अब हम चम्मच की मदद से टेढ़ा करते हुए एक्स्ट्रा तेल गिरा देंगे और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया कड़ाड़ेदार अपनी पोटैटो लॉलीपॉप बनके तैयार हुआ है। चलिए हम सेम प्रोसेस से दूसरा बैच भी फ्राई कर लेते हैं। दूसरा बैच भी ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे हमने दूसरा बैच भी फ्राई कर लिया है, तो चलिए इसे भी हम डिश आउट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे सभी लॉलीपॉप फ्राई कर लिया है, चलिए इसकी प्लेटिंग करके दिखाते हैं। तो हम एक बॉल्स लेंगे और उसके ऊपर हम रखेंगे एक ये पुदीने की पत्ती और इसे हम पिन से ऐसे गोदते हुए रखेंगे। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया अपना लॉलीपॉप दिख रहा है। तो चलिए ऐसे ही हम सभी लॉलीपॉप को सजा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देख लिया पोटैटो लॉलीपॉप बनाना कितना आसान है। ये बच्चों का फेवरेट है, सभी को पता है। ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनके तैयार होता है, तो इसे आप भी जरूर ट्राई कीजिए। अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।